ये बात अच्छे से पता है, जी ये बदलेगा, ये बदलेगा, ये हमें पता हमारे है, हमारे हमें ऊपर से पता है सौंपा कि गया, अपन ये हमारे ये ऊपर किसके हाथ सौंपा कांग्रेस गया। पार्टी ने थोप दिया, ये मतलब अच्छा हम लोगों चले को पंडित कुछ जी, अब नहीं। मैं चले चले मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ, मैं आपसे एक बात, ठीक है, आप ये टीम कह रहे हैं कि बदलेगा, अगर कोई बौद्धिस्ट आज उठ के यही सेम डिमांड करने लगे कि वो बोले कि नहीं मैं इंडिया को एक बौद्धिस्ट राष्ट्र बनाऊंगा, क्या बोलेंगे आप उस बौद्धिस्ट को? या एक क्रिश्चियन आपको आके बोले, आप ये कह रहे हैं ना, जैसे आप ये कह रहे हैं कि मैं तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलूंगा, इसी तरह से जी बताएं कि आज एक क्रिश्चियन आके आपको ये बात कहे, आप उस क्रिश्चियन के साथ क्या करेंगे? आप उसको ये जी बोलने की आजादी, कि आप एक जी क्रिश्चियन आप को जो बात आप बोल रहे हैं वो बोलने की आजादी देंगे? सुनिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंपल मैंने इसी सुनिए क्वेश्चन का आपने आपने बोल दिया ना कि आप बदलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, जी बदलेंगे सब कुछ बदलेंगे, चलें ठीक ठीक चलें जी हो गया, आप मुझे बताएं कि एक क्रिश्चियन आके यही सेम बात आपसे कहता है, आप क्या बोलते उसको? ये तो क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ही तो मैं आपको लिंक नहीं, मतलब वो ये मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप अब गेम मत खेले, व्हाट अबाउट ये गेम मत खेले, मैं सिंपली पूछ रहा हूँ कि अगर एक क्रिश्चियन आप आके ये बात कहता कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को तो बदलूंगा, मैं अपने हिसाब का कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगा, मैं पूरे लॉ सिस्टम को बदलूंगा, मैं जो है यहाँ बस मिशनरीज को लेकर आऊंगा कि भाई सबको बस कन्वर्ट करो, क्या बोलते आप उसको? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का नहीं, है वो क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, आपने गोल्डन रूल लेके आए हैं ना, अभी अभी आपका गोल्डन रूल हम चेक करते हैं, आप अपने लिए ये जी पसंद करते हैं कि हमने गोल्डन रूल, आपका गोल्डन रूल भाई अप्लाई करते हैं ना, आपने कमेंट में दिया था गोल्डन रूल, आप कहते हैं कि जी भाई हम तो बदलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो जी जैसे आप अपने लिए पसंद करते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदलें, और आप गोल्डन रूल में भी बिलीव करते हैं कि आप जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरे के लिए भी चाहते हैं, तो जैसे आप बदलना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो क्या आप दूसरे को भी ये बोलेंगे कि भाई तुम भी आजाद हो, तुम भी बदलो कॉन्स्टिट्यूशन को? एक क्रिश्चियन को नहीं, बोलेंगे आपके ठीक है, तो को बाइबल के हिसाब से कर अगर बेहतरी के लिए कोई बेहतर चीज इससे लेके आएगा, मैं उसको लो। सपोर्ट करूंगा। पंडित जी वो बात की बात है, क्या बेहतरी के लिए है? नहीं, आप सिंपल बताएं, जैसे आप कह रहे हैं, और मुझे पता है आप ये क्यों कह रहे हैं, आपको लगता है कि कानून मेरा क्या उखाड़ लेगा? मैं सिंपली कह रहा हूं, नहीं, मुझे कानून आप जैसे, क्या नहीं है? नहीं आप नहीं बोलेंगे ना सुनिए, मेरा क्या होगा, मैं आप, पंडित जी मुझे पता है आप ये क्यों बोल रहे हैं, आपको लग रहा है अरे मैं तो हूं हिंदू, मैं तो कोई मुसलमान थोड़े ना हूं कि मैं इस तरह का बोल दूं तो मेरे ऊपर FIR कट जाए और मुझे सेडिशन के अंदर 10 साल के लिए झोंक दे। आपने जो बात कही ना, अगर ये बात मैं किया होता तो मैं भी अंदर होता सेडिशन के लिए, लेकिन आप हिंदू हैं इसलिए आप अंदर नहीं है, सिंपल। नहीं कोई बात नहीं, आप मतलब अगर मैं ये क्रिश्चियन जी होता ना पंडित जी, अगर मैं क्रिश्चियन होता तो मैं भी अंदर होता जो बात आपने कही वो बात कहने के लिए, लेकिन आप हिंदू हैं तो नहीं आप चलो वही मजे हैं हमारे, हम तो जो कहे हम तो लॉ तोड़े, हम जो मन में आए कहें, हमको कौन कुछ करने वाला है? नहीं सुनिए, मेरे ये को पंडित मतलब सुनिए सुनिए सुनिए, मैं जी जो ये बोल रहा हूँ है वो आपकी सुनिए। सोच से, अरे अरे सुनिए तो सही, ये जो डू वॉन्ट टू, वो तो आप स्क्रीन के ऊपर लेके नहीं आए। खैर मतलब ये कल का आप कल आप आपका स्ट्रीम होगा, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। ये जो रूल लिखा गया है ये गलत रूल है, यही मैं कह रहा हूं। ये जो रूल अच्छा लिखा आप ये कह गया रहे है हैं कि इसमें गोल्डन जो रूल गलत है, आपने तो कहा कि आप सपोर्ट करते हैं गोल्डन रूल को। नहीं, ये जो रूल, ये मैं वही तो कह रहा हूं, ये हमारे ऊपर क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूशन ला दिया गया है, ये हमारा पंडित जी कॉन्स्टिट्यूशन वो है। अच्छा, आप तो मान रहे हैं पंडित जी के जो BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर थे वो क्रिश्चियन थे, उन्होंने क्रिश्चियन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन बी बना आर, दिया है, अरे सर बी आर या जो अंबेडकर, कमिटी में बैठे हुए थे पंडित जी, जो कमिटी में बैठे हुए लोग थे उनको पता नहीं था कि क्रिश्चियन क्या होता है, क्रिश्चियनिटी क्या है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जो 299 लोग थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में उनको पता नहीं था। जी नहीं उनको पता नहीं था। नहीं ये तो कॉपी पेस्टेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आपने कॉपी बिल्कुल देख 1935 का वो एक दिखाया, ये तो ब्रिटिश लोग ने ड्राफ्ट किया था। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आता है, ये तो आप एक मिनट पंडित जी, 1935 का जो ये नहीं के जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है वो क्या वो क्रिश्चियन बेस्ड एक्ट है वो? जी वो इसी गो डू ऑन अच्छा टू अदर्स। वो बाइबल, एक मिनट, वो आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो 1935 का एक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट वो बाइबल पे बेस्ड है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहा हूं। एक मिनट,
चले चले ठीक है, जब आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है तो एक आर्टिकल बता दें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बाइबल से लिया गया, एक आर्टिकल बता दें। ये आर्टिकल, ये आर्टिकल क्या, ये हमारी जुडिशियरी जो है ये मतलब क्रिश्चियन जुडिशियरी आप बता दें, आप आर्टिकल बता दें पंडित जी जो बाइबल से लिया गया। वो आप बहुत कॉन्फिडेंट है ना कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्रिश्चियन बाइबल बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो चले आप एक जी। आर्टिकल बता दें जो जो जो, जो बाइबल बेस्ड आर्टिकल हो, एक आर्टिकल बता दें। सर केई है, ये ऐसा केई है तो मतलब, सुनिए नहीं है, ये सोच रहे रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ गया है, जो नहीं हम सुनिए, ओबीसी को और SC कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन दे रहे हैं वो आ गया हमारा वहां से बाइबल से। नहीं नहीं सुनिए, ये जो जुडिशियरी है जिसको, ये जुडिशियरी है, ये इस्लामिक जुडिशियरी है। आप बताओ, ये हमारा नहीं आज के डेट में जो जुडिशियरी है वो इस्लामिक जुडिशियरी है क्या, आप मेरे को बताओ। नहीं 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 है ना, नहीं है, तो ये नहीं हिंदू जुडिशियरी भी नहीं है जी, तो ये क्या क्रिश्चियन जुडिशरी है? आपको ये क्रिश्चियन जुडिशियरी है, ये क्रिश्चियन पता जुडिशियरी ही है। नहीं जी, आपको पता नहीं मॉडर्न स्टेट कैसे काम करता है, मॉडर्न स्टेट होता क्या है फिर पता ही नहीं आपको। आप देखें पंडित जी, अब 2 मिनट आप म्यूट पे रहे। मेरा बुनियादी सवाल ऐसा ही है ना, जो खामखा पॉलिटिक्स में उतरते हैं मजहब को लेकर के, जिनको ना मजहब का पता ना पॉलिटिक्स का पता, लेकिन वो खामखा वो लेके उतरते हैं, उनकी प्रॉब्लम यह है कि वो जानते ही नहीं है कि एक मजहब का एक सियासी पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है, या जो हम जिस पॉलिटिकल ढांचे में रह रहे हैं उसकी बुनियाद कहाँ है, वो आई कहाँ से, वो काम कैसे करती है, बस कहीं सुन लिया कुछ भी बस हाँके जा रहे हैं पकड़ के। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है पंडित जी, हमें पता है, हमें पता है कि बुनियादी तौर पे जो हिंदुइज्म है वो वहाँ पॉलिटिक्स का कोई लेना देना नहीं है, हिंदुइज्म इस्लाम की तरह नहीं है कि जैसे इस्लाम के अंदर जैसे पॉलिटिक्स एक हिस्सा है रिलीजन का, वैसे हिंदुइज्म में पॉलिटिक्स का कोई रिलीजन का हिस्सा नहीं था, जबरदस्ती आप लोगों ने घुसेड़ के बना दिया उसको। तो ये बेसिक प्रॉब्लम आई है आप लोगों की। अब मैं क्या कहूँ, बार बार एक ही बात कि आप लोगों ने अपने आप को जदीद, ये मॉडर्न स्टेट है ना, उसके सामने आप बताएं कि आपके कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में और मॉडर्न स्टेट में 2 से 4 चीजों के अलावा कुछ फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अच्छा, एक मॉडर्न स्टेट की बात आप कर रहे हो, तो मॉडर्न स्टेट में चोर चोरी करेगा, आप और हम ईमानदार आदमी उसको पैसा देकर अपना टैक्स भरेंगे, उसको खिलाएंगे वहां पे जेल में बिठा के, वो बिरयानी खाएगा, एक कसाब के ऊपर 52 करोड़ खर्च तो हो। क्या आप चाहते हैं कि शरिया के हिसाब से बस उसका हाथ काटा जाए और खत्म, मसला खत्म? जी नहीं, उसका और भी तरीका है, आप क्या करेंगे उसके वो साथ? आप नहीं, वो तो हम डिस्कस करेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इस प्रपोजल के साथ ये आखिरी है, बात खत्म करेंगे। आप बता पंडित दें कि आपके पास जी आपको चोर, 1 मिनट दिया ये जाएगा क्या उसके पर, बाद। ये हमारा लास्ट है डिस्कशन, फिर हम आगे बाद में करेंगे कभी। आप ये बताएं कि आपका जो स्टेट, आप जो सोच रहे हैं जिस स्टेट के बारे में, वहां चोर के साथ आप क्या करेंगे? दो मॉडल चोर के आपके साथ पास, नहीं, एक शरीयत वाला वो मॉडल है, एक जो है आपका मॉडर्न स्टेट का मॉडल, आप तीसरा मॉडल बताएं जिसमें सुनिए, कितना एक पैसा नहीं चोर, लगता। नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूं, मेरे को 2 मिनट खाली बोलने का मौका दीजिए जी। जो चोरी जो करता है वो किस हालात में चोरी किया है, सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा, वो क्या आदतन चोर है या मजबूरी में चोरी किया, मतलब उसका वजह क्या है, चोरी करेगा कोई, क्यों करेगा चोरी, तो बता देना, ठीक है बता दें क्या करेंगे, जो आदतन चोर उसके साथ क्या करेंगे, या जो मजबूरी में चोरी किया उसके साथ क्या करेंगे, जल्दी से बता दें। जो फर्स्ट टाइम चोरी किया उसको रिफर होम में भेजेंगे, या उसको फिर से हम भेजेंगे, मतलब जो एक गुरु के पास भेजेंगे जो उसको फिर सर्टिफाई करेगा ये आइंदा आगे चोरी नहीं करता। नहीं सुनिए, ठीक, चलो। अच्छा, जो दूसरी मर्तबा करेगा उसके साथ क्या करेंगे? जो दूसरी मर्तबा करेगा उसका चोरी का मतलब ये क्या है, मतलब चोरी मान लो आपके आपके यहां से चोरी किया, वो माल जब खो करेंगे क्या? गया, मान लो आप बताएं उसके साथ क्या करेंगे, जो दूसरी मर्तबा है तीसरी मर्तबा चोरी किया, क्या करेंगे उसके साथ? अगर कोई नहीं बदलता है, इंडिया के पास 132 मतलब 140 करोड़ आदमी है, दो चार चोरों को मार देने से क्या फर्क पड़ जाएगा, वो कौन सा मतलब यार इंडिया में फिर मार रहे हैं। सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे, पंडित आप भाग रहे हैं, टाइम खत्म हो गया आपका। मारने की बात कर रहे हैं जी बिल्कुल, वो नहीं आप क्या बदलेगा, बार बार करेंगे वो पंडित साहब? नहीं,
अरे जो पंडित बार सरपाल बार साहब, सवाल ये ये है बोलते कि हैं पहली मर्तबा अगर उसने नहीं, दूसरी या तीसरी मर्तबा किया है तो आप क्या करेंगे ये बताएं। बोले मैं मना नहीं कर कुछ देंगे उसको करूंगा, मार वो देंगे, करेगा। कहते हैं कि उसको कैपिटल कैपिटल पनिशमेंट देके उसको बस मार देंगे दूसरी तीसरी मर्तबा अगर चोरी किया तो। जी कचरा हटाने के, वैसे तो डेली कितने लोग मर रहे हैं, ये एक और कचरा मर जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत बढ़िया पंडित जी बनाए चलिए आप, पंडित ऐसा साहब, स्टेट बहुत बहुत खूब। जिसमें दूसरी तीसरी मर्तबा चोरी करने वालों को जो मार दे, आप बनाए आप ऐसा स्टेट। जी बिल्कुल मार देंगे, 130 करोड़ है, ये अकेला रह के क्या कर लेगा, वो तो जो रहेगा चोरी भी करे, चोरी ही करेगा। आपके ख्यालात ऐसे हैं तो फिर आप शरीयत को बुरा कैसे कहते हैं कि शरीयत में हाथ काटना है? अरे वो तो हाथ ही नहीं काट रहा है, नहीं आप तो मंडली सीधा कर रहे हो यार। नहीं हाथ हाथ अगर काटोगे तो उसको खिलाएगा कौन? स्टेट खिलाएगा, वो कहां से खाएगा फिर? पता नहीं फिर पंडित साहब आप बहुत क्योंकि इजाजत देता आपको हूँ आसिम इस्लामी भाई। रियासत कैसे काम करती है नहीं पता है। चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। आपको हाँ पंडित साहब, बहुत बहुत खूब आप आए, अच्छा लगा। ठीक है, फिर आइंदा आइएगा इसी तरीके से। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। तो आपका इशारों में रहता ही है। हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे हैं मोहसिन साहब जी। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम। आवाज आ रही है? आवाज जी आ रही है? वालेकुम सलाम, आ रही जी जी आवाज आ रही है, जी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह आ रही आवाज है आ ना? रही है। हम बात करें। हाँ जी जी हाँ आ ठीक रही है। तो मेरा एक ही सवाल था, मेरा एक ही सवाल था कि कोई, और छोटा सा सवाल है, बेसिक सवाल है, तो अगर कोई मुसलमान कुरान की आयतों को लिटरली नहीं लेता, यानी उसमें फैक्ट नहीं निकालता, यानी उसमें, यानी उससे कोई फैक्ट, यानी वो मानता है लेकिन वो उसको लिटरली नहीं लेता, यानी उसमें जो फैक्ट दिए हुए हैं जैसे नाम वगैरह दिए हुए हैं, तो उसको वो फैक्ट नहीं समझता, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं समझता, तो क्या वो मुसलमान मुसलमान ही रहेगा कि वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? यानी कई ऐसे मैंने, क्योंकि मुसलमान भी देखा हूँ, जो नाम नहीं लूंगा मैं, जो मतलब के भाई कुरान की सवाल आयतों को तो टॉपिक मानते हैं पर। कि खुदा की तरफ से, ये एक टॉपिक तो, ये आप एक साथ जी बैठे तो मेरे, बोला मैं ये भी यही अभी कहना मौका नहीं चाहता मिलने कि वाला ना पहले मेरे। टॉपिक के ऊपर बात कर लें, फिर अगर आसिम भाई अगर चाहें तो अपना ओपन बात कर सकते हैं, लेकिन पहले अगर कुछ टॉपिक के ऊपर तो हो जाए ओपन, तो तो बेहतर है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर था ना, ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन पे था। हेलो, जी इंडियन 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 कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन। हाँ, तो हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन तो पूरी दुनिया में सब में बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये मुसलमानों को और जो माइनॉरिटी को जो हकूक मिले गए, जितने भी मार्जिनल डिप्रेस क्लासेस है और जितने मार्जिनल माइनॉरिटी है उनको जो हक और हकूक मिले हुए, तो ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिले गए, तो काफी अच्छा, बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और इससे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं हो सकता। तो ये मेरा पर्सनल राय है, लोग बोल सकते हैं, इख्तलाफ रह सकता है एक, क्योंकि इसको साथ भी इस्लामिक कानून के साथ भी ये कोइंसाइड कर सकता है, अगर ये ऐसा निजाम चले और साथ में जो पर्सनल मैटर है उसको शरीयत के हिसाब से लेके चले, तो ऐसा नहीं, रह सकता है। तो मेरा नहीं, मेरा देखो ऐसा मानना है। ये जो बात कह रहे हैं पर मोहसिन भाई, आप जो ये बात कह रहे हैं कि जो जदीद रियासत का कोई भी कानून हो वो इस्लामी कानून के साथ कंफर्टेबल नहीं है, उसकी बुनियादी वजह कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से चंद चीजों को देखते हैं। जो पूरी जदीद रियासत है ना, पूरा मॉडर्न स्टेट है, वही इस्लाम के साथ कंफर्टेबल नहीं है। मैंने शायद कुछ दिन, मैं बार बार ये बात कहता हूँ मैं, कि एक मॉडर्न स्ट्रक्चर के अंदर शरीयत का निफाज लोगों को इर्तिदाद की तरफ ही ले जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा एक मॉडर्न स्ट्रक्चर जी, स्टेट के अंदर, जैसे तुर्की है, जैसे पाकिस्तान वगैरह है, तो यहाँ शरीयत का निफाज लोगों को इर्तिदाद की तरफ ले जाएगा। लोगों को समझ नहीं आता ना, लोग बस चले मॉडर्न स्ट्रक्चर के ताबे होके शरीयत का निफाज करने के लिए। शरीयत वो गोली नहीं है ना जिसको आप जो है किसी के ताबे रख के हाँ आप काम करें, शरीयत जो है वो अपना एक इंडिपेंडेंट पूरा सब कुछ चाहता है। तो शरीयत जो है वो अपने पैराडाइम में काम करती है, उसको आप दूसरे पैराडाइम में घुसाएंगे ऐसा ही है, जैसे मिसाल के तौर पे एंड्रॉयड फोन में जो है आप एप्पल के जो है आप वो डाल दें, क्या बोलते हैं, एप्स इस्तेमाल करें आप, विंडोज के जो सॉफ्टवेयर हैं आप वो मैक में इस्तेमाल करें, काम करेगा नहीं करेगा ना? मैक अपने आप में एक पूरा सिस्टम है, और उसके फिर उसके अंदर सॉफ्टवेयर काम करते हैं, उसके विंडोज एक पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर वो फिर जो है उसके जो भी चीजें होती है वो काम करती है और परफेक्टली काम करती है, हैंग नहीं करती, आपको इश्यूज नहीं करती। हमने क्या किया है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम ले लिया है मॉडर्न जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर हमने शरीयत के ऐप लगाने शुरू कर दिए हैं, फिर शरीयत आपको वो तो हैंग करेगा ना, ग्लिच देगा आपको, फिर कहेंगे शरीयत में प्रॉब्लम दिख रही है हमें, तुम उसको इस्तेमाल ही कर रहे हो गलत तरीके से। तो ये मेन प्रॉब्लम हो रही है।
मॉडर्न स्टेट और शरीयत के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है तो मोहसिन मेरा साहब, ओरिजिनल जो एक मेरा जो ओरिजिनल जो सवाल था कि कोई मुसलमान अगर कुरान की आयतें मान रहा है लेकिन उसकी उसमें जो फैक्ट दिए है जैसे नाम दिया हुआ है इब्राहिम अलैहि सलाम के फादर का और वैसे उसमें फैक्ट दिए गए, अगर उसको लिटरली नहीं लेता, अगर उसको हिस्टोरिकल नहीं समझता या फिर पुराने अंबियात को, तो क्या मुसलमान रहेगा कि वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, लेकिन वो मोहसिन साहब आयतों को फर्क मान हो रहा है, जाता वो सुन्नत को मान रहा है। देखो मुझे फर्क हो जाता है। आपका जो क्वेश्चन है आई थिंक उससे बहुत वेग है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके इस क्वेश्चंस के ऊपर जो इतना वेग है उसके ऊपर हम कोई राय दे सकते हैं। आप थोड़ा इलोबरेट करके जब कभी अच्छा बताएंगे मैं तो इंशाल्लाह राय स्पेसिफिक देंगे। करता हूँ, मैं स्पेसिफाई करता हूँ, मैं बताता हूँ। अगर कोई पुराने पुराने अंबिया को नहीं मानता, हिस्टोरिकल वो पैदा नहीं हुए थे, सिर्फ वो रसूल अल्लाह को मानता है और उनकी शरीयत और उनकी सुन्नत को फॉलो करता है, तो क्या वो इतना ही करने पे मुसलमान रहेगा? वो मान रहा है कि लेकिन जो कुरान कुरान आया है अल्लाह का कलाम उसको है। यानी कि किस तरीके से उसको किस तरीके से मानता है, मतलब कुरान में जैसे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन सब का तذکرہ आया है, तो वो उसको किस तरीके से मानता है, क्या उसका मुनकिर है या उसकी वो बातिल तावील करता है? मेरे ख्याल से बातिल ताव जो आपने बोला ना वो, यानी नहीं तो कि मोहसिन उसका साहब कुछ ये और मेरे जो आप ये कह रहे हैं ना क्वेश्चन, अब आप यहाँ भी क्वेश्चन वापस बन रहा है आपका, इसका मतलब है कि क्वेश्चन के अंदर जान नहीं और पहले से क्वेश्चन क्लियर नहीं है, तो क्लियर कर लें उसको, क्योंकि उसकी बहुत पूरा सारी सीखें फ्रेम निकलती हैं। कर लें अच्छे से और हाँ स्पेसिफिक कर लें, सोच लें, लिख लें, उसके हाँ बाद कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक है हमारे ठीक है, मैं सामने क्वेश्चन का। स्पेसिफिक ठीक स्पेसिफिक कर लेता। नहीं, स्पेसिफिक करता हूँ, एक 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 ही सवाल है वो, कि क्या अगर इनको हिस्टोरिकल ना माना जाए तो क्या वो मुसलमान रहेगा क्या? पुराने अंबिया ये को बहुत वेग हिस्टोरिकल ना माना जाए, मैंने है, आप जो कह रहे हैं हिस्टोरिकल ना माना जाए, ये बहुत वेग है अपने आप में। हिस्टोरिकल ना मानने से उनका क्या मुराद है, उसको वो किस तरीके से लेते हैं जो यानी कभी पैदा नहीं हुए थे, यानी कभी अंबिया पैदा का नहीं हुए थे, तस्करा है, इस्लाम इब्राहिम इस्लाम इन सब का जो यानी तस्करा है, उसकी वो क्या तावील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो फिर हम समझेंगे उसको, समझ रहे हैं? ये कभी पैदा नहीं हुए थे, ये मतलब है कि कभी पैदा नहीं हुए थे, यानी मुनकिर है ना, सीधे सीधा ये आप ये कह रहे मतलब हैं, है मतलब कुरान नहीं मानते के ना। अंदर उसके हाँ बारे में शायद क्या कहते मुनकिर, हैं, बारे हाँ हाँ में यही उसको उसको क्या मतलब कहते हैं? है। हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, नहीं, मत सर, मैं समझ रहा हूँ जो कुरान के अंदर है इब्राहिम इस्लाम का तस्करा या नूह इस्लाम का तस्करा, उसको वो क्या कहता है फिर? वो असल में एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, लेकिन ये हिस्टोरिकल है कि नहीं है, ये उनके मुताबिक डॉक्टर अरे मोहसिन उनके साहब जो वही अल्लाह के एक मिनट इब्राहिम, एक मिनट एक मिनट, हसन भाई मैं आपका वो पूछ रहा क्वेश्चन हूँ। वेग है, आपका क्वेश्चन वेग है, आप सिर्फ एक तरीके से उसको डिफाइन कर रहे हैं, जो दूसरा उसका पहलू है उसको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, उसको फिक्स तो करें जो दूसरे हुक्म पहलू को। लगेगा ना, जो हुक्म लगेगा वो दूसरे पहलू की वजह से अहम है, सिर्फ पहले पहलू आप एक पहलू बता रहे हैं ना, जो दूसरा पहलू है कि कुरान में जो तस्करा है उसको वो किस लेंस से देखता है, उसकी वो आपने क्या तावील की, वो अहम है, एक कह उसके दिया, ऊपर हुक्म लगा। नहीं मानते सीख तो के वो तौर जो पे ले रहा है हूँ, उसको क्या बोलते हैं? सीख के तौर पे ले रहा है ये, गॉड अल्लाह पाक ने वो एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ऐसा ये इनके साथ जो हुआ वैसा, जैसे कोई मुताशाबे हाथ है ना, तो उसके तौर पे ले रहा है वो, यानी एलोगोरिकल तौर पे ले रहा है वो, हिस्टोरिकल चीज नहीं ले रहा है वो, तो ऐसे लोगों को चलिए क्या मोहसिन क्या साहब, बोलेंगे आप? मतलब ये बहुत पेचीदा क्वेश्चन अच्छा है कल कलाम का, और मतलब मैं तो इस पे कोई राय नहीं दे पाऊंगा, आप लोग देख। नहीं, आप अगर जो मान ही नहीं रहे और कोई ना, नहीं, अंबिया का इनकार कर रहे हैं अगर आप, यानी जब आपने कह दिया कि मैं अंबिया नहीं, हुए नहीं, तो फिर जो अंबिया का तस्करा है तो उस नहीं मौके वो पर क्या इनकार कह नहीं रहे? कर रहे, मीना साहब ये कह रहे हैं वो इनकार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सिंबॉलिक है, हाँ सिंबॉलिक, हाँ सिंबॉलिक है, तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा ऐसे ही तो क्या आसिम इंसान भाई, जैसे वो, मिसाल के तौर पर नॉवेल हाँ वगैरह में कैरेक्टर बताए जाते हैं बहुत सी नॉवेलों में, क्या बिल्कुल, तो वो वैसे ही ले रहे सिंबॉलिक हैं ये? है। नहीं मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक डॉक्टर है, एक है जिनको मैं देखता हूँ, तो वो उस टाइप का आदमी, तो वो उनका यही अप्रोच है, तो उनकी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर जवाद नाम है उनका, तो वो हिस्टोरिकल नहीं मानते पुराने अंबिया को, वो बोलते ये एलोगोरी के तौर पे बात है, और बहुत सारी चीजें यानी कलाम वाले भी चीज में उनके यानी कुछ ऐसे हेरेटिक बिलीव है, तो क्या ऐसी क्या है मुसलमान की, उन लोग उनको बोलेंगे क्या मुसलमान है कि ये बाहर हो गए इस्लाम से, अब डायरेक्ट ऐसे इस तरीके के? हेलो क्वेश्चन अलग है, इसमें अलग अलग राय हो सकती है, जैसे कि बजाय तो समझ में आता है कि इनकार अंबिया इसके अंदर पाया जा रहा है, और उसका हुक्म देखकर बताना पड़ेगा, और इस वक्त अभी जी, जवाब दे देना शायद होगा कि मुनासिब अच्छा ना, तो इनशाला तो किसी और मैं मौके दोबारा से से आ वक्त जाऊंगा, कल कर जी किसी और दोबारा से आ मौके से आ जाएगा जाऊंगा। इनशाला, तो उस मौके से हाँ इनशाला आपको जवाब दे दिया जाएगा।
ठीक है, बहुत बहुत और सारे शुक्रिया, लिख के लाए। और मेरे एतबार से इस तरह के क्वेश्चंस हमारी स्ट्रीम के बजाय ना आप किसी मौकर दारुल इफ्ता को इरसाल करें और लिख के सारे क्लॉज लिख के आप इरसाल करें, क्योंकि आप एक खास पार्टिकुलर केस के बारे में राय जानना चाह रहे हैं, तो उसकी तकफीर करना मैं किसी के कॉल पे कर दूं तो ये मुनासिब नहीं है जब तक कि उसका स्टैंड हमारे पास क्लियर ना हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ जो है मुख्तार बिन अहमद साहब। जी बिल्कुल सही। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अल्लाह बरकातहू। जी मुख्तार साहब, आप मुझे पहले कलमा पता लगे। क्या बोल रहे हैं? पहले कलमा पता दे। आसिम भाई, यानी आप कलमा पढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्या मुसलमान ही हूँ? मेरा प्रॉब्लम आपको मैं बाद में मैं बहुत बहुत भयानक प्रोपेगेंडा का शिकार हो गया था। तो कलमा पढ़ ले आप, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। शुक्रिया। अब बोले उससे मैं थोड़ा सा प्रोपेगेंडा में ये जो मतलब नेशनल चक्कर है, फिर पीरियडवाद है, फिर जो ये कम्युनिस्टवाद है, तो इन सब के चक्कर के चक्कर में थोड़ा मैं नास्तिक बात के ऊपर मैं झुक के क्या कहता। और हमारे जो पश्चिम बंगाल में है ये 34th ईयर बाम फ्रंट का जो है राज रहा, कम्युनिस्ट होगा, तो इसके वजह से पश्चिम बंगाल में खास करके केरला में इन सब राज्य में कम्युनिज्म का एक प्रभाव बहुत बड़ा है। जब मैं धीरे धीरे सीखने लगा तो मैंने एक चीज गौर किया कि सबका जो अटैक जो कर रहा है तो इस्लाम धर्म के ऊपर ही कर रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे अरबी पढ़ना शुरू किया और हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा अभी सूर्या जो है इमरान खत्म हुआ है और धीरे धीरे मैंने समझने लगा, पढ़ने लगा। उसके बाद जो कम्युनिस्ट का हिस्ट्री पेपर पढ़ा, स्टालिन ने कैसे लाखों मुस्लिमों को मार डाला था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ही हुआ। और शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका भी, और एक जो है ना वो अमेरिका का मुफ्ती साहब, क्या नाम है उसका? जी जी मैं तो समझ नहीं पाया आसिम भाई, इनके बाद आप समझे तो जरा बोलें, कुछ जवाब दें। ये कह रहे हैं कि मुख्तार भाई जो है वो कुछ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो गए थे और फिर यानी कि इस्लाम के बारे में उनको शुबात हो गए थे, और लेकिन फिर बाद में उन्होंने जो है वो मतलब जाननी चीजें शुरू की, देखनी शुरू की, तो उनको लगा कि नहीं इस्लाम ही सही है। जी जी तो उससे हम लोग का ज्यादा दिमाग खराब क्या है ये ना, ये कुफू के चक्कर में बोल रहा है कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या है एक लॉ बना कर रखा है कि सैयद हजरत को सिर्फ सैयद ही निकाह कर सकता है, मतलब कोई अगर वो मुस्लिम हो तो वो शादी नहीं कर सकता। आप ये बताएं आप कुफू का मतलब क्या समझते हैं? कुफू का वो लोग कुफू जानते हैं आप क्या होता है? नहीं तो मैंने बहुत सारे मामूल लाना से पूछा तो वो लोग तो बोल रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। कुफू क्या होता है? कुफू जो है ना वो बहुत जरूरी है समाज में, माशरे में कुफू जो है वो बहुत जरूरी होता है। आप बताएं कि आप किसी ऐसे लड़की से शादी करना पसंद करेंगे जो आपके मेयार की नहीं हो? ना नहीं, तो फिर इसी को तो कुफू कहते हैं ना, अपने मेयार के हिसाब से शादी करना, ये तो कुफू है। तो ये शादी की बाउंडिंग को जोड़े रखने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ आप दूसरी बात एक और क्लेरिफिकेशन कर दूं कि कुफू की आड़ में कोई किसी की तौहीन करे, तजलील करे, किसी को घटिया समझे तो वो हराम है इस्लाम में। कुफू जो है वो मुस्तहब है इस्लाम में, और किसी को कुफू की आड़ में कुफू को बहाना बना के तजलील करना, तौहीन करना, ये हराम है इस्लाम में। ठीक है, तो कुफू जो है एक समाज के लिए, मुआशरे के लिए एक जरूरी है, इस्लाम के लिए जरूरी हिस्सा नहीं है लेकिन मुआशरे के लिए जरूरी हिस्सा है। और आपकी शादी कुफू में ज्यादा दिन तक चलती है। ठीक है, अगर बगैर कुफू में जो शादी करेंगे ना तो बहुत मसाइल आते हैं, बहुत सारे मसाइल आते हैं। जी तो और क्या फरमा रहे? बोले मुख्तार साहब ये बात तो उससे हो गई,
मैचिंग तर्जुमा कर ले उसका, मैच जिस तरीके से भी होगा उस तरीके से कर लिया जाएगा उसको। और एक बात, अगर अगर कोई लिफ्ट अगर हो सकता है तो कितने, अगर सैयद हजरत का गैर सैयद से अगर निकाह हुआ है, ऐसा कोई अगर लिफ्ट अगर हम लोग अगर प्रोवाइड करवा सके, कम से कम एक बार आप लोग एक प्रोग्राम ही अगर करवा सके तो बहुत हुआ है मुख्तार साहब, बहुत हुआ है। ये सब बहुत नीची छोटी छोटी बातें हैं जो आप लेके बैठे हुए हैं, ये बहुत छोटी मतलब छोटी बात यही है। छोटी छोटी बात ना दिमाग पे ये करता है तो असर। दिमाग ये करता है तो उसको थोड़ा सा बोलें, हिलाएं डुलाएं कि क्यों करता है। ठीक है, कुफू जो है वो एक समाजी मसला है, वो हर जगह होता है। मैं दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक आप तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से आए हैं तो जानते होंगे। एक कम्युनिस्ट जो है एक कैपिटलिस्ट से शादी कर ले, बताइए उसको क्या होगा घर में? नहीं होगा तो फिर तो अब आप बोले यार ये तो गलत बात है यार, आजादी होनी चाहिए ना। ठीक है ना, एक कम्युनिस्ट एक कैपिटलिस्ट से शादी कर रहा है तो क्या दिक्कत है? ठीक है, कर लेगा ना वो मतलब, शादी, लेकिन घर चलेगी उसकी। एक कैपिटलिस्ट दिक्कत एक तो होगा ना। एक कम्युनिस्ट अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा ये है ना साउथ पोल। तो सिंपल है, कुफू का मसला ऐसा ही है कि जो बंदा अमीर है तो अगर वो बहुत गरीब से शादी कर ले और उसके अंदर वो मेयार भी नहीं हो, मतलब वो सारी चीजें कि वो थोड़ा सा इधर उधर देख ले अपने यानी मेयार से अलग, तो उसको प्रॉब्लम भी होती है, तो उसका घर नहीं चलेगा ना। इसलिए मैं कहा गया है कि शादी अगर अच्छी बनानी है तो आप अपने कुफू में शादी करिए, आप जैसे हैं वैसे में शादी करिए, तो इंशाल्लाह घर ज्यादा दिन चलेगा आपका। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, ये एक मान ले कि अच्छी चीज है, वाजिब और फर्ज के दर्जे में ऐसा नहीं है, मुस्ताहब के दर्जे में। ठीक है, चलें, ठीक है मुख्तार भैया, मुझसे बात। जी, मुख्तार साहब बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। और एक बात बोले तो ये वहाब बीबी क्या बहुत ही खतरनाक ये लोग है, ये लोग क्या दहशतगर्द होता है? जी नहीं, ये सब बात जो है आप फीका से फिर कहाँ चले गए आप। तो शुरू में जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर दे दिया, आइंदा आप आइए इस जो इलाहाद वगैरह से एथिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिए, तो अब थोड़ा आगे धीरे धीरे करते करते आप वहाँ आ गए जहाँ आपको जाना नहीं था। ठीक है, तो मुख्तार साहब तो आइंदा मरतबा आइए, इंशाल्लाह फिर लेंगे क्वेश्चन आपसे। हमारे साहब जो है वो मीर यूथ क्लब है। जी मीर यूथ क्लब साहब, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सर सलाम सबसे पहले वरहमतुल्लाहि मैं वबरकातुहू। शुक्रिया अदा, सर मेरी आवाज आ रही जी है? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हेलो भाई मैं 3 मरतबा बोलूं क्या हर सर, चीज को? सर मैं जी, मेरी आवाज आ रही है सर? अरे मेरे भाई आवाज आ रही है आपकी। दूसरे साथी बोलते हैं भाई, हमें सब जरा बोल दें आवाज आ रही है भाई। मेरी एक ऐसा वो लगता है एक आदमी बोलता है भाई लोग इतना आवाज आ आवाज रही है, बोल जी आवाज आ रही है। एक्चुअली यहाँ कैमरा का या तो मसला है बंद कर सबसे दिए या फिर पहले उंगली मेरा हटा जी दिए। जी 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 कैमरा आप ऑफ, बोले, मैं कह रहा हूं कैमरा या तो बंद ही कर लिए या फिर उंगली हटा लिए, दो में से एक काम कर लिए। आपके हिसाब आप कैमरा ऑफ कर लें, आपकी आवाज नहीं हटकेगी, प्रॉब्लम आएगी आपको। सीधा उसको ऑफ कर दें और बात शुरू करें। चलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इंटरनेट का, दूसरे साथी को ले लेते हैं जरा। हमारे साथ है मोहम्मद असलम हुसैन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आसिम साहब को सुनता हूँ, देखता हूँ कितना यासिन नदीम साहब से बहुत ना काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं एक मस्जिद में इमामत भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल थे तो मैं बयान भी करता हूँ इसमें, इतिहास के बारे में, एथिज्म के बारे में बहुत सारे सवाल मेरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवाल हल भी हो जाते हैं। और इस तरह से जो आजकल लड़कों में या लड़कियों में जो इतदाल का फितना पाया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सवालात भी आते हैं मेरे पास, तो हल करने की कोशिश करता हूँ, और जो लिंक वगैरह होता है उसको शेयर भी करता हूँ आप लोगों की। तो यही है कि मैं कहना चाह, आज की स्ट्रीम देखी आपने शुरू से? हाँ, नहीं आज की स्ट्रीम शुरू से नहीं देखा, मैं नोटिफिकेशन आया था तो मेरा, ये मैं लेकिन रिकमेंड करूंगा आपको भी साथियों को, क्योंकि इलाहाद इर्तिदाद पे बात तो हो ही रही है। आज थोड़ी अलग चीज जी। थी, इस वजह से आज अलग अच्छा चीज रखी कि भाई नहीं नहीं ये भी ठीक, ये हम पहलू है समझ रहे थोड़ी। हैं इसका। तो ये जो क्या बोलते हैं, क्या बोल, ये जो हम लोग जो तराना पढ़ते हैं, इसका तराना मतलब क्या, जो इंडियन गीत है जो पढ़ा जाता है, जनगण मन चले जो पढ़ा उसको जाता है, राशन ये मार्केट में,
लेदे चली है ना मार्केट में, उसके ऊपर लेदे चली हुई है, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, वो अलग फतवा जो चल रहा है वो